छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बालको नगर में आए दिन सड़क हादसे देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, सड़क हादसा बालको प्रबंधन की लापरवाही से हो रहा है, क्योंकि सड़क मार्ग पर उनके खड़े ट्रक की वजह से इस हादसे के शिकार होते हैं लोग। सड़क हादसे थमने का नाम भी नहीं ले रहे। ऐसा ही एक हादसा आज फिर देखने को मिला। शुक्रवार की सुबह बालको रिंग रोड पुराना रिजदा चौक के पास दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें ट्रक और HFS डिलक्स बाइक दोनों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 3 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस द्वारा उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार तीनों युवक शादी का कार्ड देकर वापस लौट रहे थे। घटना से भड़के लोगों ने चक्का जाम कर दिया और बालको प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चक्का जाम की सूचना पाते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचे और चक्का जाम को खुलवाकर सड़क मार्ग को दुरुस्त किया। देखिए छत्तीसगढ़ के बालको से अजय तिवारी की रिपोर्ट, क्या कुछ कहा गुस्साए लोगों ने। भैया, आज ये दुर्घटना हुआ है, किस कारण से हुआ है बता सकते हैं? अब आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पर बालको वेदांता का प्लांट है, यहाँ पर एक ट्रक कोयला लेके जाता है, राठौड़ गाड़ी दूसरी बड़ी बड़ी चलती है ना। ये पहला घटना नहीं है इस रोड में, हर महीने में 3 घंटे 4 घंटे घटना होता ही जाता है, जिसमें मृत्यु भी होता है, सीरियस पेशेंट भी होते यहाँ जाते हैं, ठीक है। कई लोग बचते हैं, कई लोग जान गंवा लेते हैं। इसका पूरा के पूरा जिम्मेदार वेदांता प्रबंधक, वहाँ जो मैनेजमेंट देख रहा है उसकी गलती है। इसके बारे में हम लोग कई बार उनको शिकायत कर चुके हैं कि भैया, अगर आपको गाड़ी चलानी है, बड़ी गाड़ी, यहाँ से कोयला मंगाओ, राखड़ मंगाओ, जो भी मंगाओ, आप अपना एक प्राइवेट पार्किंग बना लो। जब भी देखोगे आप, पूरा ये रोड को बड़ा गाड़ी में जाम करके रखा रहता है, पूरे रोड में अपना बड़ा गाड़ी खड़ा करता है। तो क्या ये रोड बालको प्रबंधक ने खरीद लिया है, वेदांता प्रबंधक ने खरीद लिया है, या ये आम जनता का रोड है? ना धूल से इतना परेशान है लोग, ना तो इसमें पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ऊपर से हर एक दिन दो दिन में एक्सीडेंट। कब लेगी इसकी सूद बालको प्रबंधक, कब इसकी सूद लेगी? क्या बालको प्रबंधक यही चाहता है कि आम जनता मरते रहे ठोकर के, और मेरा काम होते रहे, मैं पैसा छापते रहूं, आम जनता का कोई मतलब नहीं? रोड इतना दिन से गड्ढा पड़ा है, गाड़ियां से गिर जा रहा है, गड्ढा किसके वजह से रोड में हो रहा है? गड्ढा सिर्फ और सिर्फ वेदांता मैनेजमेंट, वेदांता का मालिक, जो कि ध्यान नहीं दे रहे जनता के ऊपर, इसलिए गड्ढा हो रहा है, क्योंकि उसी का पूरा बड़ा गाड़ी इस रोड में चल के गड्ढा बना रहे हैं। अभी दुर्घटना हुई, उसकी हालत कैसी है, गंभीर है, क्या लग रहा है? हालत बहुत गंभीर है, हॉस्पिटल उसको एम्बुलेंस में बैठा के भेज दिया गया है। अब आगे देखना होगा कि क्या हो रहा है उसका। कितने लोग थे बाइक में? बाइक में 3 लोग थे। महिला भी थी क्या साथ में? महिला नहीं, तीनों जेंट्स थे। क्या लग रहा है कि उन लोग सीधा पीछे में ठोक दी गाड़ी को? पीछे में ठोक दिया इसलिए क्योंकि एक तरफ पूरे आधा रोड में तो गाड़ी को खड़ा करके रख दिया है, ठीक है। गाड़ी आ रही थी सामने से, क्या करेगा अगला आदमी, जाके चला गया गाड़ी। लापरवाही किसका है? बालको प्रबंधक, लापरवाही बालको प्रबंधक का पूरा पूरा लापरवाही है, पूरा पूरा लापरवाही बालको प्रबंधक का। क्योंकि अगर उसको गाड़ी इस रोड में बड़ा गाड़ी चलाना है, कोयला मंगाना है, राखड़ भेजाना है, तो उसको एक पार्किंग बनवाना चाहिए। क्या दारू पिए हुए थे क्या? अभी सर दारू पिए थे उन लोग के, नहीं पिए थे? जो जब रिपोर्ट आएगा तब फिर अभी बोल दूंगा, क्योंकि मैं कैसे बोलूँ दारू पिया था कि नहीं पिया था। बोलना चाहूंगा, ये जो परिस्थिति बना के रखा है उसको जल्दी से जल्दी सुधार ले, अन्यथा बालको प्रबंधक को बालको प्लांट नहीं चलाने देंगे यहाँ पर, ठीक है। हेलो, ट्रक ड्राइवर कहाँ है? फरार है अभी। और अभी आके जवाब देगा उसी के।